क्या वजह है कि टर्की का जो हेयर ट्रांसप्लांट मार्केट है वो इतना ग्रो कर रहा है? क्या वजह है, क्या मॉडल है कि टर्की में हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो कराने लोग दुनिया के अलग अलग जगह से आते हैं? क्या वजह है कि टर्की के अंदर लो कॉस्ट हेयर ट्रांसप्लांट होता है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट की जब भी हम बात करते हैं, पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो काफ़ी हद तक परेशान होते हैं अपने गंजेपन को लेके, और जब वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लेते हैं और उसका रिजल्ट जब अच्छा आता है तो वो एक तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसीजर होता है, जिसकी वजह से कि जो नेगेटिविटी होती है पेशेंट्स की लाइफ में वो चेंज होके एक तरह से पॉजिटिविटी हो जाती है। और जब भी पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट कराने का प्लान करते हैं तो वो एक बहुत अच्छे तरीके से एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं डॉक्टर के बारे में, क्लिनिक के बारे में, जगह के बारे में कि कहाँ पे उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए और किस टेक्निक से उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। सो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, लोग और अवेयर हो रहे हैं कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर है जिससे कि वो बॉल्डनेस से पीछा छुड़ा सकते हैं, इस वजह से और एक ग्रोइंग मार्केट की वजह से बहुत सारे नए हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स भी आजकल आ गए हैं जो कि बहुत लो कॉस्ट में हेयर ट्रांसप्लांट प्रोवाइड कराते हैं। और इसी कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ा डेस्टिनेशन जो निकल के आता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो आता है टर्की। टर्की अब एक ग्लोबल डेस्टिनेशन हो गया है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, और रीसेंट पास्ट में काफ़ी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है जहाँ पे कि काफ़ी लोग स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड से और यूरोप से जाकर के हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। अगर हम देखें उसी कंटेक्स्ट में तो इंडिया से भी बहुत सारे लोग जाके टर्की में हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। तो जब हम बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स की तो उन्हें हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो वो क्लिनिक्स जो कि एक डॉक्टर खुद रन कर रहे हैं, डॉक्टर खुद वहाँ बैठते हैं, खुद पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं, खुद कंसल्टेशन करते हैं, खुद प्रोसीजर करते हैं, और दूसरा होता है कुछ क्लिनिक्स जहाँ पे कि डॉक्टर नहीं होते हैं और वो क्लिनिक एक तरह से चेन ऑफ क्लिनिक्स का पार्ट होता है, वहाँ पे डॉक्टर्स अगर होते भी हैं तो रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। टर्की को जब हम देखते हैं एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट तो क्या फैक्टर्स हैं, क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या उनका बिजनेस मॉडल है, किस तरह से वो प्रोसेस करते हैं, इन सब फैक्टर्स को अगर हम कंपेयर करेंगे इंडिया से कि इंडिया में या एक तरह से अमेरिका में किस तरह से प्रोसीजर होता है एज़ कम्पेयर टू टर्किश क्लिनिक्स, तो हमें एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ टर्की हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, या फिर हमें दूसरी तरह से इंडिया में या अमेरिका में जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। सो टर्की में भी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं और क्लिनिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं और एक तरह से एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स यूज़ करके पेशेंट सेफ्टी का ध्यान रखते हुए एक कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन टर्किश हेयर ट्रांसप्लांट मार्केट का वो है जो कि नॉन डॉक्टर या एक तरह से जिसे कहते हैं कि क्लिनिक्स जो कि डॉक्टर रन नहीं कर रहे हैं वो रन करते हैं, और उनमें मल्टीपल केसेस एक दिन में होते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस उन क्लिनिक्स में ज़्यादा रहते हैं। और क्या रीज़न है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं टर्की की तरफ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? देखिए, एक तो वो जो ऑफर्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि बहुत सारे ग्राफ्ट निकाल के एक बार में लगा दिए जाएंगे, बहुत बड़ा एरिया कवर कर दिया जाएगा बॉल्डनेस वाले पैच का, उसके अलावा जो टर्किश मेडिकल टूरिज्म है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है आपकी ट्रिप के अंदर। उसके अलावा कॉस्ट भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है कि टर्की में बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे हैं जो कि डॉक्टर खुद रन नहीं कर रहे बट वो एक तरह से चेन ऑफ क्लिनिक्स का पार्ट है और वो काफ़ी लो कॉस्ट में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जो कि एक बहुत मेजर काइंड ऑफ अट्रैक्टिंग फैक्टर हो जाता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट्स के लिए करवाने के लिए। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है और किसी भी रेप्यूटेड क्लिनिक में जो कि एक डॉक्टर रन कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के सारे सर्जिकल स्टेप्स वो डॉक्टर खुद करते हैं, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं इसको दूसरे नॉन डॉक्टर रन क्लिनिक से या जो टर्की के काफ़ी सारे ब्लैक मार्केट क्लिनिक्स हैं तो उनमें ज़्यादातर स्टेप्स जो होते हैं वो नॉन डॉक्टर करते हैं, और जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस और हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जो क्लिनिक डॉक्टर ओन्ड होते हैं उनके अंदर स्टार्टिंग से लेकर के कंसल्टेशन से, फिजिकल एग्जामिनेशन से, हेयरलाइन डिजाइनिंग से और पेशेंट के प्रोसीजर तक डॉक्टर्स खुद एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स बना के रखते हैं
और उन स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने से अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट आता है पेशेंट का वो अच्छा आता है और कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। लेकिन जब हम लो कॉस्ट टर्किश ब्लैक मार्केट की बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो कॉस्ट काफ़ी लो रखते हैं। कॉस्ट लो रखने का सबसे मेजर रीज़न है कि वो एक दिन में मल्टीपल प्रोसीजर्स करते हैं, एक दिन में कई क्लिनिक्स 5 से 10 प्रोसीजर्स करते हैं, तो इतने प्रोसीजर्स अगर एक दिन में होते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जबकि जो स्टैंड अलोन क्लिनिक्स हैं डॉक्टर्स वाले स्पेशली, उनके अंदर 1 से 2 प्रोसीजर्स हर दिन में डॉक्टर करते हैं जिससे कि वो हर पेशेंट को पूरा टाइम दे पाएँ और जो स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो कर सकें। और ऐसी जगह पर जो डॉक्टर्स भी होते हैं, जो लो कॉस्ट क्लिनिक वाले होते हैं, वो डॉक्टर्स भी एनोनिमस होते हैं, डॉक्टर्स वो लोग चेंज करते रहते हैं, कोई पर्टिकुलर डॉक्टर नहीं रहते, तो इससे रेपुटेशन का भी उन्हें ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता है। इसके अलावा जो टेक्नीशियंस होते हैं उनके पास, बिकॉज इतने ज़्यादा केस आपको एक दिन में करने हैं तो आपको टेक्नीशियंस बाहर से भी बुलाने पड़ते हैं, एक्सटर्नल टीम बुलानी पड़ती है, जिनके लिए कि उस स्टैंडर्डाइज एनवायरमेंट में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इस वजह से अगर स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स के साथ काम नहीं होता है तो रिजल्ट फिर कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। ऐसे लो कॉस्ट क्लिनिक्स में और जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये आते हैं कि जब भी आप हेयरलाइन डिजाइनिंग की बात करते हैं तो स्टैंड अलोन क्लिनिक्स में जहां डॉक्टर खुद होते हैं क्लिनिक में, हेयरलाइन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो डॉक्टर्स आपसे एक्सटेंसिव डिस्कशन के बाद प्लान करते हैं, सो दैट वो बिल्कुल नेचुरल लगे आपको, डायरेक्शन हेयर का, डेंसिटी हेयर की बिल्कुल नेचुरल आए और आपका जो अल्टीमेटली जो फाइनली रिजल्ट आए वो बिल्कुल नेचुरल आए। लेकिन जब डॉक्टर ये चीज़ नहीं करते तो हेयरलाइन जो होती है वो एक तरह से सभी पेशेंट्स की एक जैसी बना दी जाती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फेस, देयर फेशियल प्रोपोर्शंस, और उस वजह से वो कई केसेस में एक तरह से अननेचुरल लुक देती है। हेयरलाइन डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द ट्रेन डॉक्टर्स जो खुद हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो हर पेशेंट के लिए हेयरलाइन को कस्टमाइज़ करते हैं, इंडिविजुअलाइज करते हैं, फेशियल प्रोपोर्शंस के हिसाब से हेयरलाइन डिज़ाइन करते हैं। उसके अलावा वो एसेस करते हैं कि आपको टेम्पोरल ट्रायंगल्स की ज़रूरत है या नहीं है, जो कि कई बार ये लोग टर्किश लो कॉस्ट क्लिनिक्स के अंदर इनका ध्यान नहीं रखा जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा अननेचुरल लुक देती हैं। ऐसे केसेस में हेयरलाइन फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि एक तरह से फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट होता है और एक अननेचुरल रिजल्ट देता है। तो इसके अलावा और जो दूसरा प्रॉब्लम इन क्लिनिक्स में आता है वो ये आता है कि जब हार्वेस्टिंग की जाती है, जब बाल निकाले जाते हैं, तो बिकॉज ऑफर्स के अंदर इतना ज़्यादा एक्सेस क्राफ्ट्स कमिट कर दिए जाते हैं कि ओवर हार्वेस्टिंग होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। ओवर हार्वेस्टिंग होने से जो पीछे डोनर एरिया है वहाँ की डेंसिटी ख़राब हो जाती है, सबसे पहली चीज़। उसके अलावा अगर फ्यूचर में कभी हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट्स को, तो एडिक्वेट डोनर एरिया नहीं होने की वजह से वो रिविजन हेयर ट्रांसप्लांट जो बचा हुआ बॉल्ड एरिया है वो कवर होने की पॉसिबिलिटी फ्यूचर में काफ़ी कम हो जाती है। और इसके साथ साथ जब पंचेस यूज किए जाते हैं, बिकॉज आपको जब ज़्यादा केस करने हैं तो आप जल्दी जल्दी करेंगे, आप स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो उस केसेस में पंचेस थोड़े बड़े यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से शॉक लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस जो स्कार्स हैं डोनर एरिया में वो ज़्यादा रहने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जब इस तरह के स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जाते तो ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट रिड्यूस हो जाता है और जो ग्राफ्ट का ट्रांजेक्शन रेट है ड्यूरिंग हार्वेस्ट वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिससे कि जो आपके ग्राफ्ट हैं, क्योंकि एक एक ग्राफ्ट इज़ लाइक इनवैल्यूएबल फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, वो ग्राफ्ट डैमेज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जिस तरह का बिजनेस मॉडल या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इस तरह के क्लिनिक्स अपनाते हैं, स्पेशली टर्की का जो ब्लैक मार्केट क्लिनिक्स हैं, वो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेटजी ये रहता है कि बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट हम लगाएंगे, पूरा एरिया कवर कर देंगे, देन बहुत सारी चीज़ें वो इनकॉर्पोरेट करते हैं पैकेजेस के अंदर, आपका टूर भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होगा, आपका मेडिकल टूरिज्म का एस्पेक्ट भी उसमें इनकॉर्पोरेटेड होगा, जिससे कि पेशेंट्स अट्रैक्ट होते हैं कि ये लो कॉस्ट में हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है विद सो मैनी थिंग्स। मार्केटिंग के दौरान भी अगर हम देखेंगे तो वेबसाइट्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इस तरह के क्लिनिक्स बहुत सारे फोटोग्राफ्स पोस्ट करते हैं, जिसमें कि बहुत एक एग्रेसिव हेयरलाइन, एक फ्रैंकली स्पीकिंग अगर हम उसे साइंटिफिकली देखें तो एक, वैसे हम उसे एग्रेसिव हेयरलाइन कहते हैं, लेकिन वो एक अननेचुरल और अनरियलिस्टिक हेयरलाइन होती है, जो उस समय तो अच्छी लगती है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फ्यूचर में जाके वही पेशेंट के लिए एक तरह से प्रॉब्लम का कारण बन जाती है, जब वो सिर्फ
फ्रंट में हेयर होते हैं, टेम्पोरल ट्रायंगल्स होते हैं, लेकिन पीछे का एरिया प्रोग्रेस कर जाता है और बॉल्डनेस हो जाता है। और उन केसेस में ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से भी डोनर एरिया अवेलेबल नहीं होता है, तो रिविजन करना बहुत मुश्किल होता है। सो नटशेल में अगर हम बात करें तो क्लिनिक्स जो टर्की के हैं, कई क्लिनिक्स काफ़ी अच्छे हैं जो कि डॉक्टर खुद रन करते हैं, खुद पेशेंट से मिलते हैं, कंसल्ट करते हैं, सारा प्रोसीजर खुद करते हैं, स्पेशली सर्जिकल पार्ट। लेकिन एक बहुत बड़ा चंक वहाँ पे क्लिनिक्स का ऐसा भी है टर्की में जो कि हेयर ट्रांसप्लांट की ब्लैक मार्केट का पार्ट है, और जिसमें कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली पुअर आते हैं। ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट रिवाइज करके भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने की पॉसिबिलिटीज़ ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाती हैं। सो ये डिफरेंसेस हैं कि जिस वजह से कि लो कॉस्ट ब्लैक मार्केट एक सेगमेंट है हेयर ट्रांसप्लांट में, और एक जो डॉक्टर रन क्लिनिक है, स्टैंड अलोन क्लिनिक्स, जो कि थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन डॉक्टर के इन्वॉल्वमेंट से, स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स की वजह से और कस्टमाइज ट्रीटमेंट की वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेटर आते हैं डॉक्टर रन क्लिनिक्स के अंदर, स्टैंड अलोन डॉक्टर रन क्लिनिक्स के अंदर, एज कम्पेयर टू टर्किश ब्लैक मार्केट क्लिनिक्स। हेयर ट्रांसप्लांट संबंधित और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो करते रहिए।